अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मैं की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आसफ साहब की हर चाल नाकाम हो जाएगी। आसफ साहब जैद को वापस बुलाने में नाकाम रहेंगे। जैद इस बार ज़िद में आ गया है कि वो मुबशरा जो किसी के बारे में नहीं सोचती थी, अब मुबशरा को जैद से मोहब्बत होने लगी है। मुबशरा को लगता है कि अगर जैद उसकी ज़िंदगी में वापस ना आया तो शायद उसकी ज़िंदगी में कुछ भी वापस नहीं बचेगा, इसलिए वो आसफ़ साहब को मजबूर करेगी कि वो खुद जाकर जैद को लेकर आए। वो इस बात पे भी राज़ी हो जाएगी। जैद अगर आयरा से शादी करना चाहता है तो शादी करके इस घर में आयरा को भी ले आए, मगर आसफ़ साहब अपनी ज़िद पे अड़े हुए हैं और मुबशरा को भी यही समझाएंगे। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब वो जैद को मुकम्मल उसका कर देंगे और आयरा को जैद की ज़िंदगी से निकाल देंगे, मगर जैद जिस तरह आयरा के पीछे पड़ा हुआ है, जैद कभी भी आयरा को छोड़ने पर तैयार नहीं होगा। आयरा के साथ इतना बुरा हो चुका है, अब वो नहीं चाहती कि वो जैद से शादी करे। इसके दिल में जैद के लिए पहले मोहब्बत थी, मगर जब से उसके भाई की डेथ हुई है उसके बाद वो जैद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रही, मगर जैद किसी भी सूरत में आयरा का साथ छोड़ने वाला नहीं। जैद उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश करेगा, मगर आयरा ज़िद पर अड़ी हुई है। वो अपने भाई की मौत को भूलकर जैद से कैसे शादी कर सकती है? उसे लगता है कि उसके भाई की मौत में जैद और उसके बाप का हाथ है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।